धन्यवाद कोठियाल जी, हमारे पास समय की कमी है और मैं अगले वक्ता के तौर पर युवा कथाकार दिनेश कर्नाटक जी को आमंत्रित करता हूँ कि गांव पर अपनी बात रखें। उसी गांव पर जो कभी कहानियों में हमें रोता हुआ दिखता है, कभी हंसता हुआ दिखता है, कभी अपनी परंपराओं को समेटता हुआ दिखता है और कभी अपनी परंपराओं से लुटता हुआ दिखता है। दिनेश कर्नाटक जी, सम्मानित मंच तथा यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतालु, सबसे पहले तो जो विषय है हिंदी साहित्य में गांव, एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये विषय इतना विस्तृत है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा छोर पकड़ा जाए, क्योंकि हिंदी साहित्य की यात्रा हजार साल की भी है अगर कविता की बात करें, और अगर कहानी की बात करें तो करीब 100 साल की यात्रा है, तो बहुत विस्तृत विषय है। उससे पहले थोड़ा सा गांव विमर्श, गांव के बारे में बात करना जरूरी है, जो कोठियाल जी ने जिस पे बात करी है। मुझे लगता है कि जो इस सत्र से पहले भी बातचीत हो रही थी सोशल मीडिया को लेकर के, गांव को लेके बात सही है, दो तीन तरह के दृष्टिकोण है, क्योंकि ये तय है कि सभी लोग, अधिकांश लोग गांव से आए हैं और शहर का हिस्सा बने हैं, तो गांव हमारा एक रूमानीपन के तौर पे, एक स्मृति, एक मधुर स्मृति के तौर पे हमारे दिमाग में आता है। और एक पहलू यह है कि जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था है या जिस तरह का नया ताना बना है, उसमें हमारी भावुकता बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। हम चाहे गांव वैसा हो, गांव वैसा हो, वो होगा वैसा जैसा आज का अर्थतंत्र उसे चाहता है। यानी अगर हम भी बात करें तो हम सब लोग यहाँ हैं या जितने लोग हैं, हम सब सुविधा चाहते हैं अपने जीवन में, हम सब संभावना चाहते हैं, हम सब सुरक्षा चाहते हैं, तो इसका कुछ भ्रम या आश्वासन शहर हमें देता है और हम सब शहर चाहते हैं। और आज का जो हमारा मॉडल है वो भी मैंने देखा कि शहर के आसपास जो गांव होते हैं वो तेजी से जो है शहर बनते जा रहे हैं, और अंततः गांव जो है क्या कहेंगे, मतलब गांव को शहर का विलोम कहेंगे या उसका पूरक कहेंगे, तो एक जो हमारा वास्तविक गांव है वो तो विलोम है जो दूर है या कहीं है। तो मेरे ख्याल से मामला इतना आसान नहीं है, जटिल है बहुत, लेकिन ये तय है कि जो धारा बह रही है वो धारा गांव के पक्ष में नहीं है। मुझे बात करनी है, जो हमारा विषय है हिंदी साहित्य में गांव, तो मैंने थोड़ा सा एक, मैं कुछ उपन्यासों के जरिए बात करना चाहूंगा, बहुत विस्तृत बातचीत है। जैसा रांगे राघो का एक उपन्यास है जिसमें नटों की जीवन के ऊपर, आगे जाके हम देखते हैं सिया मुसलमानों के जीवन पे केंद्रित राही मासूम रजा का आधा गांव आया, और उसी दौर में सागर, लहरें और मनुष्य, इसमें बारसोवा गांव के मछुआरों के जीवन के ऊपर उनका वर्णन था। एक चीज और है, प्रेमचंद के उपन्यास में जहां आपको ये लगता है कि अभी वो, हालांकि हमको ये कहना बहुत अच्छा नहीं लगता है शिल्प और शिल्प के लिहाज से उदान हमें मुकम्मल नहीं लगता है, लेकिन उसी दौर में जो उन्होंने कहानियां लिखी गांव पे, चाहे वो सवा शेर गेहूं, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, और अंत में कफन जो कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें एक अलगाव हम देखते हैं, तो मुझे लगता है वहां वो बिल्कुल मुकम्मल कहानियां आ रही थी और गांव को जिस तरह से देखा जा रहा था वो जितनी जल्दी हिंदी साहित्य ने इन चीजों को पकड़ा वो बड़ा आश्वस्तकारी है। मैं ये बात यहां पर इसलिए भी कहना चाहता हूं कि एक हमारे पहले सत्र में वक्ता आए थे, उन्होंने कई बार, हम लोग जो संकट यहां पर बात भी हुई है कि हम लोग पढ़ते लिखते जानते नहीं है,
तो जैसे ये टिप्पणी आ गई कि भाई हिंदी साहित्य में तो बुझा ही नहीं या हिंदी में तो बुझा ही नहीं, तो जब आप पढ़ते नहीं है और जानते नहीं है तो कम से कम ये जो गलत सूचनाएं हैं, भाई इतनी बड़ी घोषणा तो मत कर दीजिए कि हिंदी साहित्य में कुछ नहीं लिखा गया। तो जब गांव की हम तलाश कर रहे हैं, दूसरी ओर जैसे मैं बात कर रहा था रेणु की मेला अंचल की, अब रेणु की जो कहानियां हैं, चाहे वो बट बाबा है, लाल पान की बेगम है, रसप्रिया है, वहां भी कहानियों में दो तरह का, एक रूमानी जैसे रसप्रिया है इस तरह की जो उनकी कहानियां हैं, दूसरे जो बट बाबा और लाल पान की बेगम जो कहानी है, वहां एक एक गांव की धड़कन, एक एक बारीकी को उन्होंने जिस विश्वसनीयता के साथ चित्रित किया है वो बड़ा कमाल का लगता है। और हिंदी कहानी में जो रूमानीपन है, ये आगे जाके मार्कंडेय की कहानियों में, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, इन सब तमाम कहानियों में हमें दिखाई देता है। और अब मैं एक बदलाव आगे जाकर के गांवों को चित्रित करने का हिंदी उपन्यास में जो देखता हूँ, राग दरबारी में देखता हूँ। राग दरबारी मुझे लगता है एक ऐसा उपन्यास है जहां हम कई बार ये कहते हैं कि उदय प्रकाश के वहां जो भाषा आई है वो हमें लगता है कई बार उदय प्रकाश से शुरू हुई है। अगर आप इस यात्रा को देखें तो जिस आत्मविश्वास के साथ श्रीलाल शुक्ला जो भाषा लेके आए थे उसमें राग दरबारी, वो बड़ा मतलब जो। और दूसरा मैं हिंदी कहानी में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, हिंदी कहानी में मैं इस एंगल से बात करना चाह रहा हूँ कि आप देखिए जो गांव में बदलाव आए हैं उनको हिंदी कहानी कैसे पकड़ रही थी, ये कुछ मैं देखना चाह रहा था। तो आप सबने ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी होगी रेणु की, पंच लाइट, तो आप देखिए पेट्रोमैक्स जब पहली बार आया तो हिंदी कहानी उसको अपने वहां दर्ज कर रही थी, कैसे पेट्रोमैक्स आता है, कैसे वो जो जलाने वाला है वो नखरे दिखा रहा है, उसकी शुरुआत, उसकी धड़कन आपको पंच लाइट में मिलती है। और आगे जाके जो आजादी के बाद जो जीवन में बदलाव आया है और जिस तरह का हमारा रिश्ते थे या जो था, शेखर जोशी जी की कहानी है गलता लोहा, उसमें उन्होंने बड़ी जैसे कि भाई ये लोहे का काम, ये कुछ खास लोगों का है, तो गलता लोहा कहानी में आगे देखते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण वर्ग से जो आता है वो आईटीआई करके लोहे का काम करने लगता है, और कैसे ये जो एक धीरे धीरे जो पुरानी चीजों में बदलाव आ रहा है। दाजू कहानी जो रिश्तों में जो अंतर पड़ा है उसको व्यक्त करती है। और फिर ये जो यात्रा आगे बढ़ती है इसमें एक आगे जाकर के ये जो 1991 के बाद बाजारीकरण और जो तेजी से बढ़ता गया, हम फिर बाजार में रामधन जैसी एक कहानी देखते हैं जिसकी हिंदी में बहुत चर्चा हुई है कि कैसे एक भाई, उसको वो बेरोजगार है, वो रोजगार चाहता है, तो वो अपने भाई से कहता है कि भाई वो जो बैल है उनको बेच दो और खेती बाड़ी का काम जो है आप ट्रैक्टर से करा लो। तो ये जो बदलाव आ रहा है गांव में, जो बदलाव आ रहा है खासतौर पे, उसको हिंदी कहानी ने बड़े विश्वसनीय तरीके से, और जो पूरी आर्थिकी और हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है उसको हिंदी कहानियां पकड़ती गई है। इसमें मुझे एक और कहानी जो मैंने पढ़ी थी, पंकज मित्र पड़ताल करके कहानी आई थी, तो टीवी के आगमन से किस तरह की संवेदनहीनता या क्या बदलाव आया उसको ये कहानी बड़े जोरदार तरीके से दिखाती है कि कैसे जब रंगीन टेलीविजन आया और सब लोग टीवी का प्रोग्राम देखने में मग्न है, और वो बूढ़े पिताजी, अमिताभ की फिल्म आई है और बाहर जो बूढ़े पिताजी हैं वो ठिठुर ठिठुर के वैसे ही मर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चल पाता। तो हिंदी कहानियों ने ये सब चीजें इनको व्यक्त किया है। एक काम हिंदी कहानी ने और किया है, गांव की जैसे बात हो रही थी, गांव खासतौर पे स्त्रियों और जो वंचित वर्ग है, खासतौर पे दलित, उनके प्रति बड़ा क्रूर है। गांव का एक और चेहरा है और वो बड़ा खतरनाक चेहरा है। मैं जब इन कहानियों को देख रहा था, हमारी हिंदी में कुछ ऐसी कहानियां आई हैं जिन्होंने उस चेहरे को, उससे पर्दा उठाया है। आज ही जो ये कहानी फट जा पंचधार, विद्यासागर नौटियाल जी की, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, हम जो पहाड़ की बात कर रहे थे यहाँ पर कि पहाड़, हमें हर पक्ष की बात करनी चाहिए। गणेश देवी जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि उत्तराखंड मतलब खुद ही मान के खुश हो जाना कि स्वर्ग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो जो सड़क के पार गांव है वहां स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, फट जा पंचधार वो कहानी हमको दिखाती है, कैसे जब वो सारा उसका उपयोग करने के बाद कितना निर्मम हो जाता है उसके प्रति आदमी।
मुझे पहाड़ के एक अंक में मैंने दो कहानियां पढ़ी, एक शैलेश मटियानी की रमौती कहानी, तो उसमें जो स्त्री के प्रति जो उसका पति कहीं बहुत पहले चला गया है और वो गांव के जो गांव का पोस्टमास्टर है और जो दूसरे लोग हैं कैसे जो है प्रपंच करके अंततः उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं, ये चेहरा ये आयाम हमारी कहानियों ने गांव के सामने रखे। उसी में एक हिमांशु जोशी की बड़ी अच्छी कहानी थी नंगे पांवों के निशान, तो ये भी एक स्त्री मतलब कि वो ससुर के साथ उसके कुछ संबंध बन गए, वो फौज से आया है उसको गोठ में जो है बड़ी मार्मिक कहानी है, उसको गोठ में जो है बंद कर दिया गया है, सास उसको समझाती है इसका तो इसके ये कर्म है, तो आखिर में ये होता है कि वो भी संवेदना है पति के प्रति, जाता है उसको खाना ना खिलाता है, लेकिन उसके बाद उसकी भी सहमति हो गई है, उसे मार मूर के पता नहीं कहां फेंक दिया जाता है नंगे पांव के निशान। तो ऐसी कहानियां अब इसके उलट जैसे तिरिया चरित्र शिवमूर्ति जी को कहानी है, वो भी गांव में क्या स्त्री के साथ होता है वो दिखाती है। शिवमूर्ति जी की एक और कहानी पिछले दिनों आई थी, वो एक अलग तरह से ख्वाजा वो मेरे पी, ये कहानी कुछ अलग लगी, जो मैं जो कह रहा हूं कि यही नहीं है कि यही पक्ष है, स्त्री का जो आत्मविश्वास है, स्त्री का जो अपनी अपने अस्तित्व को लेकर के जो उसकी जो कही है कि जैसे अभी बात हो रही थी सोशल मीडिया में, वो उसको ये कहानी दिखाती है कि स्त्री निर्णय लेती है कि मेरे माता पिता अकेले हैं तो वो तय करती है कि मैं अपने घर में ही रहूंगी, पति देव के साथ नहीं जाऊंगी, ख्वाजा हूं मेरे पीर। बड़ी मार्मिक कहानी है कि पूरी उम्र ऐसे ही बिता देते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बीच बीच में पति पत्नी मिलते हैं, वो अपना कायम है अपने माता पिता के साथ अलग घर में रहने के लिए। तो मैं ये कुछ इस एंगल से हिंदी साहित्य में गांव को देख रहा था, और एक लेकिन ये क्योंकि इतना विस्तृत है और मैं बिल्कुल दावा नहीं कर सकता, विषय भी ऐसा था कि मेरे हाथ पांव फूल गए थे कि मैं कौन से सिरे को पकड़ूं कौन से सिरे को ना पकड़ूं, लेकिन ये जो क्योंकि कुछ चीजें दिमाग में रह गई थी उस पर मैंने काम किया था। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो कई लोग कई बार होता ही है कि हम पढ़ते नहीं है और घोषणाएं कर देते हैं हिंदी में कैसा लिखा जा रहा है, आज भी जो हमारी इस समय की पीढ़ी है इसमें कई हमारे साथी लोग जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, रणेंद्र हैं वो वहां की कहानियां लिख रहे हैं, पंकज मित्र जैसे मैंने जिक्र किया वो उन जगहों की जिनको आज हम आदिवासी क्षेत्र जहां से उनको पीछे हटाया जा रहा है वहां की कहानियां वो लोग लिख रहे हैं, सत्यनारायण पटेल है, सुभाष चंद्र कुशवाहा है, और बल्कि मैं एक कहानी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ है, नई लेखिका है शिल्पी पापा तुम्हारे भाई, तो ये जो एक ऑनर किलिंग वाला जो मसला है गांव में किस तरह से जो है अपने सम्मान के लिए आप हत्या कर देते, तो गांव के हिंदी साहित्य में मुझे ये कहते हुए कि कोई ऐसा आयाम नहीं है जिसको हिंदी साहित्य में छुआ नहीं है, तो ये एक मैं मानता हूं कि ये एक ताकत है और हम गांव के बदलाव को नए नए जो रूप ले रहा है उसको अपने हिंदी साहित्य में देख सकते हैं। धन्यवाद।